साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने दशकों लंबे फिल्मी करियर में लगभग हर एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद की गई। श्रीदेवी और रजनीकांत ने साथ में 19 फिल्मों में काम किया, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की फिल्में शामिल हैं। इसी के चलते दोनों को एक्टर्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी बन गए थे और इसी दोस्ती में फिर वो हुआ जो इस उम्र में होना लाजमी था। रजनीकांत को श्रीदेवी से प्यार हो गया। प्यार को जब परवान चढ़ाने का वक्त आया तो रजनीकांत ने श्रीदेवी से शादी करने का मन बना लिया और इसी मकसद से उनके घर भी गए, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रजनीकांत ने श्रीदेवी से शादी करने का अपना ख्याल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या हुआ था, चलिए बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। वैसे तो श्रीदेवी के बहुत दीवाने थे, लेकिन जैसी मोहब्बत रजनीकांत ने उन्हें की वो आज भी याद की जाती है। जब श्रीदेवी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब वो महज 13 साल की थी और रजनीकांत उनसे 13 साल ही बड़े थे। उम्र में बड़े होने के नाते वो श्रीदेवी की बहुत केयर किया करते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी, जिसके चलते रजनीकांत मन ही मन उनसे शादी करने का इरादा भी बना बैठे। कुछ साल ये रिश्ता ऐसे ही चला और जब श्रीदेवी की उम्र 16 साल की हुई तो रजनीकांत ने उनकी माँ से उनका हाथ मांगना चाहा। श्रीदेवी के घर का गृह प्रवेश था, जिसमें रजनीकांत को भी बुलाया गया था। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मौका शादी की बात करने के लिए नहीं हो सकता। वो पूरा मन बनाकर श्रीदेवी के घर गए, लेकिन तभी लाइट चली गई। रजनीकांत को वहम हो गया कि ये अपशकुन है और उन्होंने अपने दिल की बात दिल में ही रखी और लौट गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इस दौरान फिल्म मेकर के बालाचंदर, जो रजनीकांत के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ ही थे। सालों बाद के बालाचंदर ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना और रजनीकांत के दिल में श्रीदेवी के प्यार के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रजनीकांत श्रीदेवी को बहुत चाहते थे, लेकिन उस दिन बिजली चले जाने को अपशगुन मानने के बाद उन्होंने कभी अपने दिल की बात उनसे नहीं कही। हालांकि बाद में भी उन्होंने श्री के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीदेवी बाद तक उनके करीबी लोगों में शामिल थी। बालाचंदर ने बताया कि जब रजनीकांत अपने करियर की बुलंदियों पर थे, उस समय उनका पर्सनल फ़ोन नंबर केवल कुछ ही लोगों के पास था, जिनमें बालाचंदर, कमल हासन और श्रीदेवी ही थे। तो देखा आपने, एक छोटे से अंधविश्वास के चलते रजनीकांत ने श्रीदेवी से अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया। आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।